हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच के उत्सर्जी तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कॉकरोच या किसी भी जंतु में उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने नाइट्रोजिनस हानिकारक पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उपापचयी क्रियाओं के दौरान सामान्यतः आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है, लेकिन साथ साथ कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण भी होता रहता है, जो सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते रहते हैं। अगर ये शरीर में इकट्ठे हो जाए तो शरीर को नुकसान कराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इन पदार्थों को बॉडी में इकट्ठा करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इन पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहते हैं। कॉकरोच में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है यानी कि यूरिक एसिड होता है, अर्थात ये यूरिकोटैलिक होते हैं और ये यूरिक एसिड ठोस रूप में मल के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात यूरिकोटैलिक एनिमल है ये। कॉकरोच में उत्सर्जन मुख्य रूप से मेलपिगी नलिकाएं यानी कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की सहायता से होता है, लेकिन इसमें वसाकाय यानी कि फैट बॉडीज, देह भित्ति की उपचर्म यानी कि क्यूटिकल और यूरिकोज ग्लैंड्स यानी कि यूरिकोज ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायता करती हैं। सबसे पहले मेलपिगी नलिका कॉकरोच की जो मध्य आंत है यानी कि मिड गट है और जो हाइंड गट है यानी कि पश्चात, उसके संधि स्थल पर 60 से 150 पीले रंग की महीन धागे नुमा संरचनाएं, जो अशाखित संरचनाएं होती है, वो पाई जाती हैं, जो 6 से 8 समूहों में पाई जाती हैं और इनको हम मेलपिगी नलिकाएं यानी कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक मेलपिगी नलिका जो होती है वो 26 मिलीमीटर लंबी और 0.5 मिलीमीटर चौड़ी होती है। इसके मध्य में एक सक्रिय गुहा होती है जिसके चारों ओर बड़ी संख्या में घनाकार ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनका एक स्तर पाया जाता है। इन कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर यहाँ पर अनेक रसांकुर यानी कि सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिसके कारण ये ब्रश बॉर्डर की तरह दिखाई देते हैं। और इन नलिकाओं में जो संकुचन होता है और शिथिलन के फलस्वरूप जो तरंगति यानी कि पेरिस्टेल्सिस उत्पन्न होता है, इन नलिकाओं का जो स्वतंत्र सिरा होता है, जो दूरस्थ सिरा होता है, वो स्रावी होता है, सिक्रीटरी होता है, जबकि जो समीपस्थ सिरा होता है जो मिडगट से जुड़ा हुआ होता है वो अवशोषी होता है। तो जो मिडगट और हाइंडगट के जो जंक्शन पर प्रेजेंट होती है बहुत सारी मेलपिगी नलिकाएँ, तो जो ये दूरस्थ सिरा है और ये समीपस्थ सिरा है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो जो इनका स्वतंत्र दूरस्थ सिरा होता है वो सिक्रीटरी होता है और जो अंतस्थ समीपस्थ जुड़ा हुआ सिरा होता है वो अवशोषी होता है, एब्सॉर्प्टिव होता है। कॉकरोच के शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप घुलनशील पोटेशियम यूरेट का निर्माण होता है और पोटेशियम यूरेट हीमोलिम्फ में मुक्त होता है। तो जो पोटेशियम यूरेट है तो मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप पोटेशियम यूरेट का निर्माण होता है जो हीमोलिम्फ में मुक्त कर दिया जाता है। मेलपिगी नलिकाएं जो होती हैं ये मेलपिगी नलिकाएं जो हीमोलिम्फ है उससे हीमो जो पोटेशियम यूरेट है उसका अवशोषण कर लेती है। तो यहां पर पोटेशियम यूरेट अवशोषित हो जाता है और ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके इसको यूरिक अम्ल में और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में, तो यहां पर ये CO2 से रिएक्ट करते हैं। पोटेशियम जो इन्होंने यूरेट बनाया है हीमोलिम्फ में ये इसको अवशोषित कर लेते हैं मेलपिगी नलिकाएं और ये यहां पर इस क्रिया करती है CO2 से और जल से और ये मिलकर इसको यूरिक एसिड बनाती हैं। तो पोटेशियम यूरेट जो होता है CO2 और H2O से रिएक्ट करने के बाद अब क्या बन गया, यूरिक एसिड में बनता है और साथ में पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है, पोटेशियम बाई
कार्बोनेट बनता है। तो अब इनका जो पोटेशियम यूरेट था, अब वो दो चीजों में कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड में और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में। मेल्पी की नलिकाओं का जो समीपस्थ भाग होता है वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा अन्य जो लाभदायक पदार्थ है उनको जल के साथ पुनः अवशोषित कर लेता है और इन्हें हीमोलिम्फ में पुनः मुक्त कर देता है। यहाँ से इसको इकट्ठा करके उसको वापस हीमोलिम्फ में डाल देते हैं। अब जो बचता है शेष, वो यूरिक अम्ल बचता है, वो एक गाढ़े तरल के रूप में बनता है और जो पश्चात यानी कि हाइंडगट में मुक्त कर दिया जाता है। हाइंडगट में पहुंचने पर इसमें से जो जल होता है वो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये और सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है और अब ये ठोस रूप में मल के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से जो मेल्पिगी नलिकाएं होती हैं वो उत्सर्जन के साथ साथ बॉडी में परासरण जो नियंत्रण होता है उसका भी कंट्रोल करती है, परासरण नियंत्रण करती है, परासरण को कंट्रोल करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और जो कीट होते हैं वो सामान्यतः जो अपचयी यानी कि कैटाबॉलिक जो वाटर होता है उस पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे होते हैं फैट बॉडीज यानी कि वसाकाय। वसाकाय श्वेत ऊतक के रूप में कॉकरोच के वक्ष और उदर भाग में रुधिर गुहा में पाए जाते हैं। इसमें चार प्रकार की सेल्स होती है, माइसिटोसाइट, यूरेट सेल्स, ओएनियोसाइट्स और ट्रोफोसाइट्स। अब जो माइसिटोसाइट्स होती हैं उनमें सहजीवी जीवाणु यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये प्रोटीन शरीर में जो प्रोटीन की कमी होने पर यूरिक अम्ल को पुनः प्रोटीन मिल रहे हैं, यानी कि ये जो सेल्स हैं इनमें सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो ये यूरिक अम्ल को पुनः प्रोटीन में बदल देते हैं, अर्थात जो बॉडी की जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा कर देते हैं। यूरेट जो सेल्स होती हैं वो रुधिर गुहा में उत्सर्जी पदार्थ को लेकर यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं, अर्थात जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं और संश्लेषण के पश्चात यूरिक अम्ल का संग्रह भी करती है, अर्थात बनाती भी है और संग्रह भी करती है। और प्रोटीन की कमी होने पर यूरिक अम्ल में प्रोटीन, यूरिक अम्ल से प्रोटीन भी बनाती है। इस प्रकार ये कोशिकाएं संचायक उत्सर्जन यानी कि स्टोरेज एक्सक्रीशन को प्रदर्शित करती हैं। इन सेल्स को नेफ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ओइनोसाइट्स ट्वेक निर्मोचन यानी कि जो पुराना एक्सोस्केलेटन जो उतरता है तो निर्मोचन के पश्चात जो नया क्यूटिकल बनता है उसका संश्लेषण करने के लिए मोम यानी कि वैक्स और लिपोप्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। और ट्रोफोसाइट सेल्स जो होती है वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में जो उपस्थित वसा होता है, प्रोटीन होता है और ग्लाइकोजन होता है उसको संचित भोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेती है, संग्रह कर लेती हैं। तीसरी है देहभित्ति की उपचर्म यानी कि क्यूटिकल। कॉकरोच के शरीर में जब परिवर्धन चल रहा होता है तो उस समय 10 से 12 बार बाह्य कंकाल का त्वक पतन होता है, यानी कि उसमें माउल्टिंग होती है, पुराने बाह्य कंकाल का उतरना ग्रोथ के लिए और नए बाह्य कंकाल का बनना, इसे हम माउल्टिंग बोलते हैं, निर्मोचन कहते हैं। तो कॉकरोच के शरीर की जो देह भित्ति होती है और जो उपचर्म होती है उसके मध्य जो भाग होता है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और जब इसमें निर्मोचन होता है तो जो बाह्य कंकाल बाहर निकलता है उसके साथ साथ ये वेस्ट जो मटेरियल होते हैं वो भी बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। यूरिकोज ग्लैंड्स जो होती है वो कॉकरोच के जो नर जनन अंग में होते हैं उसमें एक ग्लैंड पाई जाती है, छत्र ग्रंथि यानी कि मशरूम ग्लैंड्स। तो मशरूम ग्लैंड्स की परिधि पर अनेक लंबी यूरिकोज ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हीमोलिम्फ से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स को लेकर उन्हें यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती हैं। मैथुन के समय ये यूरिक अम्ल जो होता है शुक्राधार शुक्राणुधर जो होता है यानी कि स्पर्मेटोफोर जो होता है उसकी सुरक्षा हेतु इन पर डाल दिया जाता है ये यूरिक अम्ल और इस प्रकार ये यूरिक अम्ल जो होता है शुक्राणु के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में जो उत्सर्जन होता है वो मुख्य रूप से मेल्पी की नलिकाओं के द्वारा होता है, लेकिन इसके साथ साथ वसा बॉडी, फैट बॉडीज, देहभित्ति की उपचर्म और यूरिकोज ग्लैंड्स भी उत्सर्जन में सहायता करती हैं और मुख्य रूप से इनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक अम्ल के रूप में बनाया जाता है जो सॉलिड लगभग सॉलिड अवस्था में मल के साथ बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने
और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।